हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर स्टडी विद मुकेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात की जाएगी RRJEE भर्ती 2019 से संबंधित। क्या इसकी एग्ज़ाम अप्रैल मई में हो सकती है, चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने दिन ये एग्ज़ाम चलेगी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो RRJEE का नोटिफिकेशन आया था उसमें अप्रैल मई में इसके बारे में बताया गया था कि अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होगी। आपको पता होगा कि जो लास्ट ईयर 2018 में लोको पायलट ग्रुप डी की एग्ज़ाम आई थी उसमें भी अप्रैल मई के बारे में बताया गया था कि आपकी एग्ज़ाम अप्रैल मई में होगी। उस टाइम की कोई इलेक्शन नहीं था, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम लगभग आप सबको पता है कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुई थी, नहीं अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, चुनाव का प्रभाव पड़ेगा इस निश्चित रूप से, क्योंकि 7 चरणों में प्रभाव पड़ेगा। अगर अप्रैल मई में एग्ज़ाम ली जाए तो निश्चित रूप से किसी न किसी राज्य में जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस दिन चुनाव होंगे, तो उस राज्य में एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस प्रकार एग्ज़ाम में व्यवधान पैदा होगा, पहला कारण ये, क्योंकि फिर उसकी री एग्ज़ाम लेनी पड़ेगी। तो इस कारण से जो रेलवे भर्ती बोर्ड है इसकी एग्ज़ाम लंबी हो जाएगी और बार बार एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है कि एग्ज़ाम के टाइम आपको पता है कर्मचारियों की और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी सबको चुनाव में लगभग सबकी ड्यूटी लग जाती है, तो एग्ज़ाम के टाइम इन्हें कर्मचारी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। रिवाज सिक्योरिटी के लिए भी जितने भी पुलिस विभाग के कर्मचारी है वो भी सब चुनाव में लग जाएंगे, इन्हें सिक्योरिटी के लिए पुलिस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो रीज़न है महत्वपूर्ण कि एग्ज़ाम इसकी अप्रैल और मई में नहीं होगी। तो मैं 100% आपसे कहता हूँ, मैं आपसे 100% कह रहा हूँ कि इसकी एग्ज़ाम अप्रैल मई में कब हो सकती है, जिससे इसका लास्ट चरण का एग्ज़ाम है यानी 15 यानी 20 तारीख के बाद हो सकती है। 20 मई के बाद इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन अप्रैल में पॉसिबल नहीं है। 20 अप्रैल के पहले इसकी एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कराना कोई आसान बात नहीं है। किसी भी तरह की जो नकल को रोकने के लिए भी आपको एक सिक्योरिटी दस्ता चाहिए, ये सब चुनाव आयोग के अंडर में अब काम कर रहे हैं, तो आप उन कर्मचारियों को नहीं ले सकते। अगर फ्री है या नहीं तब भी आप उनको नहीं ले सकते, क्योंकि कर्मचारियों की कभी भी चुनाव आयोग को ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए चुनाव आयोग इसकी अनुमति नहीं देगा। तो ये 100% है कि आपकी एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होगी, मई में होगी, तो 20 तारीख के बाद इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब रही बात कि कितने दिन इसकी एग्ज़ाम चलेगी, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक जो लोको पायलट की 2 एग्ज़ाम होगी, ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी। सभी शिफ्ट का अगर एवरेज निकालते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में 1.5 लाख यानी 1.5 लाख स्टूडेंटों अफेयर्स हुए हैं। अभी तक जो लोको पायलट और ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी सभी शिफ्ट में 1.5 लाख स्टूडेंटों को इसमें अफेयर किया गया था। अब यहाँ लगभग 25 लाख फॉर्म आए हैं, 25 लाख आप मान सकते हैं, एक शिफ्ट में 1.5 लाख, तो एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो 3 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। एक दिन में लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट अफेयर्स होंगे एग्ज़ाम में। इसको मल्टीपल 3 से करके देखते हैं तो लगभग आपके पास 22.5 नहीं, आपकी एग्ज़ाम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आपकी एग्ज़ाम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, अगर 7 लाख स्टूडेंट भी बैठते हैं तब भी आपकी एग्ज़ाम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 4 दिन में लगभग 12 शिफ्ट का आयोजन किया जाएगा। थोड़े दोस्तों एक मिनट यह करते हैं, एक थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, या देखो, एक शिफ्ट में 1.5 लाख, इसका मतलब हुआ 4.5 लाख स्टूडेंट डेली एग्जाम में अफेयर्स होंगे। अगर आप इसको लगभग 4 से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम 5 या 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 6 दिन से ज़्यादा आपका इस एग्ज़ाम में नहीं लगेगा, क्योंकि आप लगभग आप 4.5 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अफेयर्स होंगे, इसलिए 5 से 6 दिन अगर लगातार एग्ज़ाम हुई
तो 5 से 6 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी। अगर 2 या 3 दिन के बाद गैप दिया तो आपकी एग्ज़ाम थोड़ा 8 से 10 दिन चल सकती है। जिससे लोको पायलट थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था, बीच बीच में गैप दिया था, जैसे 3 दिन एग्ज़ाम फिर गैप, 3 दिन एग्ज़ाम फिर गैप। तो आप कैसे हो सकता है 3 दिन एग्ज़ाम ली उसके बाद में 2 या 3 दिन का गैप दिया, तो इस प्रकार आपकी एग्ज़ाम अगर मान के चलो 25 मई से स्टार्ट होती है तो शायद मई मई में आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि जून में पैरामेडिकल की एग्ज़ाम है वो दवा रखी है, उसके बाद में फिर एनटीपीसी किया जाएगी। नहीं, आपकी एग्ज़ाम अगर 25 से स्टार्ट होती है तो 2 या 3 अप्रैल तक आपकी एग्ज़ाम, सॉरी दोस्तों, जून तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, आप मान के चल सकते हैं आपकी एग्ज़ाम 25 मई से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, यानी 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी मई, और 5 मई 5 जून तक आप इसका शेड्यूल मान सकते हैं, यानी 25 से लेकर 5 जून के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम 100 ऑफ 100 कंप्लीट हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।